इस वीडियो सीरीज में हम टीचिंग मेथड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएं। क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ हम इस सीरीज में एक्सप्लेनेशन की भी बात कर रहे हैं, जिससे कई सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो सीरीज में हम टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज, एग्जाम्पल से लेकर जनरलाइजेशन की जो जर्नी होती है वो कौन सी अप्रोच होती है या कौन सा मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले लर्नर को एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद में उसका रूल या जनरलाइजेशन बताया जाता है। तो सबसे पहले लर्नर एग्जाम्पल सीखता है, उसके बाद रूल वो खुद से तैयार करता है। कौन सी अप्रोच में, इंडक्टिव अप्रोच में। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडक्टिव अप्रोच। अब डिडक्टिव अप्रोच इसका जस्ट उल्टा होता है, सबसे पहले लर्नर को रूल बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैथ्स में अगर किसी लर्नर को हम कोई फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर करके अलग अलग एग्जाम्पल तैयार करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये डिडक्टिव अप्रोच है। और इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले हम लर्नर को एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कोई टेंस का स्ट्रक्चर समझाना हो तो सबसे पहले उसके सामने एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद वो खुद समझता है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। तो क्वेश्चन इंडक्टिव अप्रोच से भी आ सकता है और डिडक्टिव अप्रोच से भी आ सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे तो इंडक्टिव अप्रोच होता है, और रूल से अगर एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो डिडक्टिव अप्रोच होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब है। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी हमारे आइडिया, जो विचार आ रहे हैं, उनको एक जगह स्ट्रक्चर तरीके से लिखना। तो इस तरीके से अकेले सोचना या ग्रुप के साथ मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आंसर क्या होगा, कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर सभी तरीके के जो आइडिया आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन ए चाइल्ड हैज, किसी भी बच्चे में लैंग्वेज डिसऑर्डर कब होता है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, या तो वो हमारी बात समझ नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहा, तो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, ये भी होगा कि वो मीनिंग समझ नहीं पा रहा किसी बात का, या फिर डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज हर थॉट, उसके विचारों को वो प्रकट नहीं कर पा रहा, तो ए भी होगा और बी भी होगा। तो आंसर क्या होगा, आइदर और बोथ ए एंड बी, या तो ए या बी या फिर दोनों। अब बात करते हैं ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ट्रबल इन प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स एक्यूरेटली, कुछ साउंड्स को प्रोनाउंस, उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाना। तो उच्चारण की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्पीच डिसऑर्डर। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या आएगा, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग और डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज हर थॉट। तो आंसर क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरीड आउट आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण किसकी पहचान के बाद किया जाना चाहिए। तो रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, किसी लर्नर को अगर कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से उसको समझाते हैं। तो किस चीज़ की पहचान के बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, मेलाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेज। मेलाडी होता है कोई इलनेस, कोई बीमारी या प्रॉब्लम, कहाँ पर, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके कारण देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर उसके हिसाब से उसको दोबारा से वो चीज़ समझाते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, फ्लैश कार्ड्स आर यूजफुल टाइप ऑफ, फ्लैश कार्ड्स किसके प्रकार होते हैं। तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं विजुअल एड्स। तो फ्लैश कार्ड्स एक तरीके के कार्ड होते हैं जिसमें एक तरफ आंसर लिखा होता है, दूसरी तरफ क्वेश्चन लिखा होता है, तो कोई भी लर्नर उसको देख के चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है। जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को कलर्स के बारे में समझाना हो तो फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है, एक तरफ तो कलर होता है, दूसरी तरफ उस कलर का नाम होता है, जिससे बच्चा पहले कलर देखता है उसके बाद नाम देखता है, तो चीज़ों को रिलेट करके आसानी से याद रख पाता है। तो फ्लैश कार्ड्स चीज़ों को याद करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये विजुअल एड होते हैं, इसमें हम देख देख के चीज़ों को याद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पजेस, इंग्लिश की एक अच्छी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो रीडिंग मटेरियल तो होना ही चाहिए, पिक्चर्स एंड इलुस्ट्रेशंस की बात करें तो ये भी होने चाहिए, कल्चरल कंटेंट भी होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल क्लासरूम का पार्ट नहीं है। अब ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या होते हैं, परंपरागत क्लासरूम। तो परंपरागत क्लासरूम की बात करें तो उसमें टेक्स्ट बुक होती है, चौक भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन हेरोल्ड पाल्मर डज नॉट सजेस्ट,
बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनमें सीखने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हेरोल्ड पार्मर क्या सजेस्ट नहीं करते? तो हेरोल्ड पार्मर एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने टीचिंग को क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ मेथड्स तैयार किए थे। तो उनके अनुसार किसी भी बच्चे के अंदर कोई चीज़ सीखने का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कंपटीशन तो होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा बात करें, और गेम लाइक एक्सरसाइजेस, कुछ गेम्स भी होने चाहिए जिससे चीज़ों को आसानी से सीखा जा सके, कन्फ्यूज़न तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो बात करें तो उन्होंने क्या सजेस्ट नहीं किया, रिपीटेशन, चीज़ों को बार बार दोहराने पर वो सजेस्ट नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स विल नॉट बी स्ट्रेंथन बाई यूजिंग टेक्स्ट बुक एज मटीरियल फॉर टीचिंग? इनमें से ऐसी कौन सी स्किल है जो मजबूत नहीं होगी टेक्स्ट बुक को टीचिंग मटेरियल की तरह यूज करने से? तो टेक्स्ट बुक की बात करें तो इससे हम इफेक्टिव राइटिंग भी सीख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल सीख सकते हैं, ग्रामर स्किल भी सीखते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की यहाँ पर कोई बात नहीं होती। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, राइटिंग के बारे में बात होती है, उसमें लिखना हम सीख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो चीज़ों को समझना हम सीख सकते हैं, और ग्रामर स्किल तो हम समझते ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता टेक्स्ट बुक के अंदर। तो टेक्स्ट बुक से हम कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। इफेक्टिव क्लासरूम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो लर्नर्स को क्या सीखने की अपॉर्चुनिटी या अवसर प्रदान करता है, तो वो क्या होता है, इंटरेक्ट। जो भी इफेक्टिव क्लासरूम अगर होगा किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लैंग्वेज में, इंटरेक्ट करना एक दूसरे से। तो इफेक्टिव क्लासरूम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसमें लर्नर क्या सीखता है, इंटरेक्ट करना। तो आंसर क्या होगा, बी, इंटरेक्ट होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो इस वीडियो में भी हमने टीचिंग मेथड्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोज़ में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और रीट इंग्लिश के लिए और यूजफुल वीडियो जल्दी आपके लिए चैनल पर अपलोड होंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज़ यूजफुल लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।